देखो भाई लोग, अगर आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 300 क्रॉस नहीं कर पा रहे हो बायोलॉजी में, तो भाई आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहे आप कितने भी अच्छा स्कोर कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे टीचर ने मेरे को बोला हुआ था कि भाई अगर फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना तेरी, वो होनी चाहिए कि बायोलॉजी में जितने मार्क्स खींच सकता है उतने मार्क्स खींच डाल। ओके, तो इस टाइम पर जो देखो यार, सारे चैप्टर्स करना इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी टाइम देना है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कुछ चैप्टर्स बताऊंगा। ओके, तो उन चैप्टर्स को कर लेना और आपके 320 मार्क्स जो है आराम से खींच सकते हो बायोलॉजी में। ठीक है, आराम से आप 320 नंबर फोड़ सकते हो। ठीक है, तो यार ऑलरेडी मैंने पहले से फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। ठीक है, किसमें क्या क्या वेटेज है, ठीक है, किस चैप्टर का क्या वेटेज है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ, तो उसके लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप उसको चैनल पर आकर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो जो भी जब वीडियो देख रहे हो उन सभी नमस्कार जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें भी आपको जैसा भी कंफर्टेबल फील होता हो। ओके, तो बहुत लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हो आप। तो मेरा नाम निखिल उपाध्याय है, मैं एक फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हूँ एम्स दिल्ली से। मैंने एम्स दिल्ली छोड़ दिया, उसका कुछ रीजंस थे, और जिसके रीजन जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सेपरेट वीडियो मैंने कवर कर दिया, तो आप लोग उसको देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यार हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर से। ठीक है, जो है जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स 1 और जेनेटिक्स 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनसे अंदाजा लगा के चलो कि भाई 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो इन दोनों चैप्टर में से आ जाते हैं, ना, जेनेटिक्स 1 और जेनेटिक्स 2। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम एक काम करना, इनको ट्राई करना कि अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इनके लिए अच्छे से करना। सेकंड जो चैप्टर है आपका भाई लोग, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे भी 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो हर साल आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 7 आते हैं, लेकिन ये है कि इसका 8 या मैक्सिमम जो है वो 9 क्वेश्चन तक जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ट्राई करना कि इसको फर्स्ट बार ना, अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अगर तुम्हें बाहर का कोई स्टडी मटेरियल वगैरह है तो उसको यूज़ कर लेना। अदरवाइज यार तुम लोगों के लिए मैं एक चीज़ लेके आने वाला हूँ, ठीक है, वो एक रिस्क टाइप का है। ओके, तो वो चीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगा जल्दी, है ना, उस वजह से मेरे को लाइक थोड़ी क्लेम्स ही आ सकते हैं, लेकिन वो क्लेम यार मैं उठाने के लिए रेडी हूँ। ओके, क्योंकि यार मुझे आप में से जो भी स्टूडेंट सीरियस है उनका सिलेक्शन चाहिए मुझे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लेना, और आपको मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपको मैं बता दूंगा कि क्या करने वाले हैं, क्या धमाका करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है आपका वो है भाई लोग आपका इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, आपसे इसमें से 9-10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन तक आपसे पूछ सकते हैं इकोलॉजी में, है ना। तो इकोलॉजी का वेटेज बहुत अच्छा है, और मैं आपको अभी ना एक पेज शेयर करूंगा, उस पेज में क्या होगा कि आपके 20 नंबर फिक्स होंगे, उस पेज में से आपके 20 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वो पेज में है, जल्दी आपको शेयर कर दूंगा, और उसमें आपको मैं पूरा उसका एनालिसिस करूंगा। ठीक है, उसमें एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि उसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर है आपका भाई लोग, वो है आपका इवोल्यूशन। ओके, तो इवोल्यूशन में क्या है, इवोल्यूशन में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है 4 क्वेश्चन तक आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप आराम से कवर भी कर सकते हैं आप एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाओ तो वो चल जाता है। ओके, लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना लाइन, सब कुछ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो आपका फिफ्थ चैप्टर है भाई लोग, वो है आपका सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन, है ना, जिसमें आप लोग सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हो गया जो पढ़ते हो, और दूसरा क्या होता है सेल साइकिल वगैरह। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लाइक प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो किसमें होगा, है ना, सेल डिवीजन में क्या पूछा जाता है कि लाइक डीएनए रिप्लिकेशन हो गया। ओके, या फिर सेल की सेल साइकिल का जो है ना जी1 जी2 फेज होता है, उनसे क्वेश्चन पूछ लेगा मैक्सिमम, यही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ नहीं है। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेवन्थ जो पार्ट है आपका भाई लोग, वो है आई गेस 6 होगा, है ना, 6 चैप्टर की अगर बात करूँ तो 6 जो है वो आपका पूरा है ह्यूमन फिजियो, है ना। ह्यूमन फिजियो में क्या होता है कि भाई लोग, ह्यूमन फिजियो से आपके अराउंड 11 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर 13 तक क्वेश्चन तक पहुँच सकता है आपका। ओके, ट्राई करो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो कंप्लीट करने का। अगर आपने अपने टीचर के नोट्स से स्टार्टिंग किया हुआ है तो उसको रिवाइज करो, अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ इस टाइम पर तो आप एनसीईआरटी फोकस करो। और देखो एनसीईआरटी आप लोगों का भैया समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले एक काम करो, एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका होता है, कैसे, अगर आप फर्स्ट बार में ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और उसको आपने फर्स्ट बार में आपने याद करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। आपको करना क्या है कि जब भी आप फर्स्ट रीडिंग दो ना, तो फर्स्ट रीडिंग आप हमेशा फास्ट रीडिंग दो, मतलब कि आप पहले समझो कि उस चैप्टर में दिया क्या है। ओके, उसके बाद समझो उसको, उसके बाद उसको याद करो, लर्न करो, जो भी कुछ करना है करो, लेकिन सबसे पहले आपको फास्ट रीडिंग देनी होती है। ये एक तरीका है याद करने का, ठीक है, एनसीईआरटी को समझने का। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ चैप्टर, जो कि मैं आपको इंक्लूड करता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ओके, इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हर साल आते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन तक पहुँच जाता है, लेकिन 6 क्वेश्चन जो है वो कभी कभार एक बार पूछा गया है, और मैक्सिमम जो है 5 क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है 8th नंबर का, जिसमें नाम दूंगा, वो है आपका पूरा प्लांट फिजियो। ओके, चैप्टर नहीं है लेकिन पूरा यूनिट टाइप में प्लांट फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 9th चैप्टर है भाई लोग आपका, वो है आपका
बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये करना इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, है ना। तो बायो मॉलिक्यूल्स अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट उसमें भी देगा। और आपने भी देखा होगा कि 21 में जो क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का आया था वो सेम था बायोलॉजी क्वेश्चन जैसे, है ना। तो फायदा ये मिलता है कि आप बायोलॉजी को जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन, वो केमिस्ट्री वाला जो है दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। 90% तक जो है वो सिमिलर हैं, थोड़ा कुछ पार्ट डिफरेंट है और कुछ नहीं है, ओके 90-95% तक, ओके। और जो लास्ट चैप्टर है आपका 10th चैप्टर, वो है आपका डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये भी पूरी एक यूनिट है, 4 चैप्टर्स की है। सबसे पहला है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड जो है वो चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन हम लोग गलतियाँ करते हैं, कुछ टर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हो गया मैनुअल, हो गया फ्लोरा, हो गया, है ना। तो इन टर्म्स को हम समझने में बहुत गलती करते हैं, तो इनको जो है आप एनसीईआरटी से कवर करो, फोकस करो, और इनको ना एक अलग जगह लिख लो, है ना। और अलग जगह लिखने के बाद क्या है कि आप उनको ना बार बार पढ़ो, समझो। जैसे कि मैनुअल जो है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे ना आप जल्दी से रिकॉल कर पाओगे और भूलोगे नहीं, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हम लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया। फंजाई में हम लोग एक तो एग्जांपल्स में गलती करते हैं, और दूसरा होता है कि उसके जो स्पोर्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स में गलती करते हैं कि इसके स्पोर्ट्स क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा एबसेंट होगा, ये सारी चीज़ें। थर्ड जो है आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम भाई लोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आप लोग नोट्स करते हो ना, कोई जरूरत नहीं है नोट्स करने की भी, एनसीईआरटी फोकस करो। और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना प्लांट किंगडम में, वो है आपके एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स जितना हो अच्छे से कवर करो, याद करने का ट्राई करो, ठीक है। फोर्थ जो आपका चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। तो भाई एनिमल किंगडम में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, है ना। ईजी चैप्टर है, और बाहर से बिल्कुल नहीं करना। जो टीचर के नोट्स वगैरह हम लोग ले लेते हैं ना, जो इतना मोटा मोटा नोट्स करा देते हैं एनिमल किंगडम में भी, तो कुछ भी आपको फोकस नहीं करना, पूरा एनसीईआरटी फोकस करो। और उसके जो एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। एनिमल किंगडम में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये सारे हुए आपके 10 चैप्टर्स, इनको मिलाकर अगर आप इंक्लूड करोगे तो 320 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह हैं, वो मैं जल्दी अपने यूट्यूब पर लाने वाला हूँ, ठीक है, आप सभी भाई लोग के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए। और मेन चीज़ यार देखो, एक चीज़ है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके, क्योंकि कुछ धमाके वाला लेके आने वाले हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बोल दिया कि यार इसके लिए यार जो भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर ना क्लेम आने वाला है, ठीक है, किसी साइड से। क्योंकि यार देखो यार, मुझे ना सिलेक्शन करवाना है आप में से उन स्टूडेंट्स का जिनका भाई नीट एक ड्रीम है, और जो सीरियस है इस टाइम पर, है ना, ठीक है, सीरियस हैं और जो लगे पढ़े, ओके। तो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अपना टाइम मैनेजमेंट इस टाइम पर सही रखना, ओके, और डेडिकेट रहना। और जो भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह हो उनको साइड रखो। और मैं एक काम करूँगा, जो ये मैंने आपको चैप्टर्स प्रोवाइड किए ना, इन चैप्टर्स के अंदर जो सब टॉपिक्स वगैरह हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको जल्दी जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, जल्दी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अकेली बायोलॉजी पर फोकस मत करना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम अकेले बायोलॉजी पर भरोसा लेके जाओ तो यार देखो, फिजिक्स जो है ना वो बेवफा है, है ना। फिजिक्स को इग्नोर मत करना, फिजिक्स को समझने का ट्राई किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं भैया मेरे को फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, तो भाई फिजिक्स को ना कोरिलेट किया करो अपनी लाइफ में। फिजिक्स ना उस दोस्ती की तरह होती है, उस अननोन पर्सन की तरह होती है, कि भाई जब भी तुम किसी एक अननोन पर्सन को मिलते हो, है ना, तो क्या तुम फर्स्ट टाइम में उसको समझ जाते हो कि भाई इसकी हैबिट्स क्या है, इसको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है इसको, नहीं समझते ना। जब तुम उसको सेकंड बार मिलते हो, थर्ड बार मिलते हो, जब तुम उससे बार बार मिलते हो, तब तुम उसकी हैबिट समझ पाते हो कि भाई हाँ ठीक है, इसकी ये आदत है, है ना। तो सेम चीज़ क्या होती है, सेम चीज़ फिजिक्स के साथ में होती है। कॉरिलेट किया करो यार चीज़ों को साथ में, है ना। तो वही सारी चीज़ें, फिजिक्स को यार टाइम दो जिस टाइम पे तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव है, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई रात को सोने से पहले जब तुम्हारा माइंड सब कुछ से मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उस टाइम पर तुम फिजिक्स को टाइम दे रहे हो, अपने वीक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, तो कभी भी तुम्हारा जो है ना ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ट्राई करते रहो और पढ़ते रहो, घिसते रहो अपने आप को यार, लास्ट मंथ बचा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और अपन तुम लोगों के साथ में है ही है, है ना, और फोड़ेंगे मिलकर, ठीक है, चलो, ओके एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच, बाय।